Hello everyone, myself Nabila and today I'll be dealing with section 112 of Indian Evidence Act, that is proof of legitimacy. Now this section says that when any person is born during a continuance of valid marriage or within 280 days of dissolution of valid marriage is a legitimate son of that man. Now here valid marriage means only valid. Validity will be checked according to Hindu and the Muslim laws, that is void and irregular or irregular and void marriages are not covering under this, is not covered under this section. And secondly, marriage of even 1 day or even 2 days, 5 hours, 6 hours, 10 hours, months or even 7 janmon wali marriage will be considered as marriage here. So if anyone is born even after 2 hours of a valid marriage or even after 5 hours of a valid marriage, he will be considered or she will be considered as a legitimate son. And secondly, dissolution की बात करते हैं तो dissolution, death या फिर divorce होता है. अगर इन दोनों cases में within 280 days के अंदर कोई बच्चा born होता है तो वो भी legitimate बच्चा ही कहलाएगा अपने parents का. Now this section is basically protecting a legitimacy of a child, protecting him to be called as bastard. And यहाँ पे सोशल पेरेंटिंग को बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के ऊपर प्रेफरेंसेस दी जा रही है. तो और क्योंकि लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था, इसको कॉन्क्लूसिव प्रूफ भी उसने मेंशन किया है. तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ अगर आपने सेक्शन 4 पढ़ा है तो उसमें ये सेक्शन 112 को कॉन्क्लूसिव प्रूफ की कैटेगरी में डाल दिया गया है कि अगर आप प्रूफ भी देना चाहेंगे कि ये बच्चा मेरा नहीं है या आप कोई एविडेंस भी लाना चाहेंगे तो वो एविडेंस एडमिसिबल ही नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल डीएनए टेस्ट, वेरी जेन्युइन टेस्ट, सारी चीज़ें पता भी होती हैं, पता चल जाती हैं और बहुत ही लॉजिकली रेलिवेंट माना जाता है. लेकिन कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी, परमिट नहीं करेगी, क्योंकि लेजिस्लेचर ने इसीलिए इस सेक्शन को ही कॉन्क्लूसिव की कैटेगरी में डाला है क्योंकि इसका कोई भी प्रूफ अब हम एक्सेप्ट नहीं करे कोर्ट. और ये खुद में एक मतलब कॉन्क्लूसिव प्रूफ है कि ये सेक्शन बेसिकली इसी पे डील करता है. हाँ, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है जिसे हम नॉन एक्सेस कहते हैं, बट नॉन एक्सेस भी बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही एडमिट किया जाता है. वो भी ऐसे नहीं कि आपने कह दिया कि हाँ हम एक घर में रह रहे हैं बट हमारे बीच मैरिटल रिलेशंस नहीं है, तो दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल एज अ नॉन प्रूफ फॉर नॉन एक्सेस. नॉन एक्सेस हाँ कि आप यहाँ नहीं थे या आप उस शादी के जस्ट बाद आपको जाना ही पड़ गया, आप दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं हुआ जिससे बच्चा बिगॉट हो सके, तब वो वहां पे वो कॉन्क्लूसिवनेस ब्रेक हो रही है, तब वहां पे वो देखा जा सकता है. अदरवाइज नो प्रूफ, नो डीएनए, नथिंग इज अलाउड टू रिबट दिस प्रेजम्पशन ऑफ कॉन्क्लूसिवनेस ऑफ प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड.